आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपना फिफ्थ सेमेस्टर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, हर सेमेस्टर में हम लोगों ने राजीव पाठशाला प्लेटफॉर्म से तैयारी किया है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोग को करवा रहे हैं। फर्स्ट करवाए, सेकेंड करवाए, थर्ड करवाए, फोर्थ करवाए, अब हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और लास्ट में ही करते हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में ही है कि पहले ही स्टार्टिंग से ही कर रहे थे और लास्ट में और अच्छे से किए थे, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में भी लास्ट में किए और फिफ्थ में भी ऐसा स्थिति बना कि हम लोग लास्ट में ही कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा बहुत टाइम होता है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम का डेट में अभी टाइम है, तब तक अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वैसे तो 2-3 लेक्चर लिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करेंगे, जो हम लोग को ज़रूरत होगा उसी चीज़ का स्टडी करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाला है उसका प्रैक्टिस करवा देंगे। पहले फॉर्मेट सुनिएगा। ठीक है, जो भी हम लोग को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल से जहां जहां से क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बात, जो थियोरिटिकल क्वेश्चन होगा उसका तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। थियोरी का भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा आप लोग को चाहिए भी वही है ना, एकदम सिंपल सी बात है। थ्योरी हो गया, उसके बाद हम लोग जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसको सोल्व कर लेंगे। 2020, 2021, 2022 और 2023 इतना का करेंगे हम लोग। ठीक है, मिनिमम इतना का करेंगे। उसके बाद चौथा नंबर में आते हैं, तो फिर आपको 20 सीरीज लास्ट में दिया जाएगा। ठीक है, 20 सीरीज, और अगर पॉसिबल होगा तब पॉसिबल होगा तब आपको मैराथन भी दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ठीक है, साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सब सब्जेक्ट में एक एक बार इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद उसका स्टार्ट करेंगे ताकि आपको फॉर्मेट समझ में आए कि हम लोग को किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए जैसे हम अभी आपको बताए वैसे ही पढ़ने वाले हैं। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन करके आएगा, यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ के बाद जो लेक्चर होगा इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस 1 ऐसे करके होगा। ठीक है, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3, ठीक है, वहां पे लिख भी देंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 1, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 2, इस तरह से। जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएगा तो थ्योरी प्रैक्टिस लिखेंगे, थ्योरी प्रैक्टिस 1, थ्योरी प्रैक्टिस 2, इस तरह से। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो वहां पे लिखा ही रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का है, 21 का है, 22 का है। फिर 20 सीरीज में आपको मेंशन ही रहेगा कि 20 सीरीज है, तो आपको खोजने में भी आसान पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा है। अगर जिनको बाद में जब एग्जाम टाइम आएगा, ध्यान से और थोड़ा सा सुनिएगा, जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको खोजना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस सेशन देख लीजिए, 1, 2, 3 जो भी होगा। जिनको थ्योरी में दिक्कत है वो थ्योरी वाला 1, 2 देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अब नेक्स्ट कल से स्टार्ट करते हैं, यानी मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल यही करवाने वाले हैं। ठीक है, फोरकास्टिंग, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, यानी जो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा यही से स्टार्ट होगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहीं से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।